नमस्ते योगी वीरेंद्र योगी। नमस्ते नमस्ते। पंचवटी की निवासी। धन्यवाद डॉक्टर शत्रुघ्न, आपका स्वागत है। दुष्ट क्या धर्म से होता है क्या? हाँ, समझ गया। आपके सवाल ये हैं कि क्या जो दुष्टता होता है, जो दुष्कर्म होता है, जो नफरत नाराजगी होता है, काम क्रोध मद लोभ मोह होता है, क्या किसी धर्म से जुड़ा है? क्योंकि जो आप परिस्थिति आप देख रहे हैं भारतवर्ष में, यहाँ इस तरह के लोग हैं जो कि तरह तरह की बातें करते हैं, ऐसे देश के खिलाफ साजिश करते हैं और देश को गुमराह करते हैं। ये सारे चीज़ अज्ञानता के घनघोर अंधकार से है। धर्म एक ऐसी चीज़ है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, वही धर्म है। धर्म है वही, लेकिन धर्म से भी बड़ा होता है ज्ञान। धर्म में भी ज्ञान छुपा हुआ है। आप गीता पढ़ के देखिए, उसमें ज्ञान छुपा हुआ है। आप कुरान पढ़ के देखिए, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ लेकिन उसका एक लफ्ज़ सुखाता हूँ, नफरत नाराजगी को दिल के तख्त से उकार उतार फेंक। नफरत नाराजगी को दिल के तख्त से उतार फेंक, वरना आसमानी बाप तुम्हें कभी भी रहम नहीं करेगा। समझ में आ गया क्या? एंगर एंड ग्रीड, थ्रो इट ऑफ, अदरवाइज द ऑलमाइटी अल्लाह विल नेवर हेल्प यू। बोलिए, एंगर एंड ग्रीड, एंगर हेटेड जेलसी सिनिकल थॉट, गेट इट ऑफ दैट, अदरवाइज देयर इज नो शेल्टर फॉर यू इन द किंगडम ऑफ अल्लाह। समझ रहे क्या? सेम थिंग इज सेड इन बाइबल, लव ऑल, फॉरगिव ऑल, नेवर हेट एनीवन, बिकॉज दीज आर डिस्ट्रक्टिव वे। सो रिलीजन इज ऑलवेज टीचिंग गुड थिंग्स, गुड थिंग्स, हार्मनी विद द अर्थ। टुडे द रिलीजन इज मच बिगर, एनी रिलीजन विल टॉक, बिकॉज द वर्ल्ड इज कनेक्टेड, वी हैव कंकर्ड टाइम एंड स्पेस। सो यू कैनॉट रियली से दैट आई एम दिस कास्ट, आई एम दिस रिलीजन, आई बिलोंग टू दिस कंट्री। यू सी द कोरोना वायरस, इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम वुहान चाइनीज वायरोलॉजी लैब एंड होल वर्ल्ड इज बर्निंग एंड आई एम द विक्टिम बिकॉज ऑल ऑफ माई ब्रदर्स, बिकॉज आई एम योगी एंड यू हैव कॉल्ड मी महापुरुष। महापुरुष इज दैट पुरुष, दैट पर्सन हु लव्स एवरी वन, हु केयर्स फॉर एवरी वन, हु प्रे फॉर एवरी वन। आई डोंट प्रे इन गॉड, आई टेल यू, यू नो मी वेरी वेल। एक्शन, आई बिलीव इन प्योर थॉट्स, प्योर वर्ड्स, प्योर एक्शन। वॉट बुधा सेड, राइट वर्ड, राइट एक्शन, राइट एफर्ट, राइट मेडिटेशन, राइट कॉन्टेम्पलेशन, राइट व्यू, राइट अंडरस्टैंडिंग। सो डियर फ्रेंड्स, रिलीजन इज नॉट एट ऑल दैट। लाइक यू सी सो मेनी इलिटरेट अनएजुकेटेड पीपल, दे आर नॉट नोइंग देयर वे ऑफ लाइफ, दे डोंट नो वट इज वर्ल्ड, सो दे आर मिसलीडिंग देयर ओन फॉलोवर्स। वाई? टेल मी, कैन यू टेल मी द रीजन? दे आर ग्रीडी, दे आर एंग्री, दे आर जेलस, दे आर इनवेस, दे आर सीनिकल, मेंटली डिस्टॉर्टेड, दे कैनॉट सी द क्रिएटेड पिक्चर। बट यू विल बी वेरी ईगर टू नो दैट वॉट गौतमा सिद्धार्था सेड, डिड ही टॉक अबाउट रिलीजन? नो, ही वॉज ए साइंटिस्ट, bigger than Einstein, bigger than Newton, and Einstein gave the certificate to him. He told he was the greatest scientist because he knew the mystery of the universe. Because of his meditation, connectivity with his sasrara, with the universe, he could find the truth. So, dear Dr. Satyanarayan, religion is the way of life. But religion most of the time believe in some supernatural forces. Like you see Hinduism, it believes in thousands of gods and goddesses. In Quran, that is Islam, you see there is one Allah, supernatural forces. In Bible, you see Jesus says, I am son of God. But see, these are all myths. I tell you very strongly, these are for weak people. These people are fanaticism and they are misleading their followers. But the true religion is a scientific religion, to live together in perfect harmony, loving everyone, caring for everyone, sharing all your wealth, wisdom, knowledge, intelligence with everyone, not only loving mankind, loving birds, beasts, animals, plants, everyone. Because this environment is really governed by the universe. People are confused, that's why they call God or something, something. But remember it, there is infinite intelligence which is governing the entire universe. That is beyond the understanding of ordinary mortals. That's why somebody is like seven blind men of Hindustan. You know what is seven blind men of Hindustan? Blind men. They wanted to know what is an elephant. So what he did, you see, suppose this is an elephant. One went and caught the tail. And then he has
said everyone, hey, look, the elephant is like a rope. Somebody caught the leg and he's telling, hey, it is like a tree. Somebody touched the, you know, the whole body and say it is a wall. You see, that is the illusion with the people who believe in religion. They are all blind people, illiterate and educated. They have their interpretation based on their perception, based on their wisdom and intelligence. But the most intelligent human being born on earth was Gautama Siddhartha Buddha. He never talked about God. He never talked about any supernatural forces. He told, you are yourself everything. And your every supreme power is your thought. You become what you think about. We are what we think. All that we are arises with our thought. With our thought we make the world. You know, Dr. Satyanarayan, why the world is burning today? My sisters and brothers are there dying. In every country, even the richest country, America, is not spared. It is because of the lies, the dishonesty, the hatred, and the jealousy and cynical thoughts of Chinese. They have not only created nuclear bombs, he has exploded also recently, nuclear bomb, atomic bomb, and all these kind of destructive weapons which can destroy the whole earth, but they are doing biological war weapons. This coronavirus is one of the weapons, and China is conspiring to destroy the whole earth. See, without any gun, without any war plan, without anything, he is killing all the Americans. You understand, sir? Yes. That is the tragedy. So wise men only believe we are for a short time. We should live in harmony, help each other, care for each other, love. And again, your religion, what you have learned, Yama, Ahimsa, Satya, Astya, Brahmacharya, Aparigraha, Swaksha, Santosa, Tapasa, Swadhyaya, Iswara Paridhana, and then Pratyahara Dharana Dhyana Samadhi. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Om Shanti.